इस वीडियो के अंदर मैं आपको चार चीज़ें समझाने वाला हूँ पहला प्रॉपर्टी डिटेल्स सेकंड पॉइंट जो है कंस्ट्रक्शन अपडेट थर्ड पॉइंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट फोर्थ पॉइंट एक बायर ने ही सवाल क्वेश्चन किया था उसका जवाब दूंगा तो स्टार्टिंग पे प्रॉपर्टी डील से मैं स्टार्ट करता हूँ ये कंप्लीट जो लैंड पैच है इसका फाइव एकर की लैंड है टोटल इसमें पाँच टावर है और सात सौ अड़तीस फ्लैट है मतलब सेवन थर्टी एट टोटल फ्लैट है इस कंपाउंड के अंदर लॉन्च हुआ था ये जनवरी दो हजार बीस में पोजिशन इसकी एज पर द रा दिसंबर दो हज़ार तेईस का है मतलब मोस्ट मोस्टली आप मान लो ढाई से तीन साल में ये बन के मिल जाएगा आपको अब डायरेक्ट आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाता हूँ फिर लास्ट लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर है और उसके पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट दिखाता हूँ ये कंस्ट्रक्शन अपडेट है सिग्नेचर ग्लोबल का 95 ए में सॉरी 95 सेक्टर में प्रोजेक्ट आया था एस्पायर के नाम से ये उसका कंस्ट्रक्शन अपडेट है कि इसमें फोर्थ फ्लोर तक कंप्लीट हो गया फिफ्थ फ्लोर की सेटरिंग डाली है और अंदर भी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो फ्रंट साइड में जो ये वाला एरिया ये कमर्शियल का एरिया है बेसिकली इसके बैक साइड पर एक और टावर है डिटेल्स तो आपको स्टार्टिंग में सारी पता चली गई होगी बस मैं नॉर्मल यहाँ से कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखा रहा हूँ इसके सामने ये छः कर्म का रास्ता ये जो रास्ता है ये सिर्फ छः कर्म का रास्ता है अंदर से एक चौबीस मीटर की रोड आ रही है जो डायरेक्ट पटौदी रोड से आ रही है जो स्ट्रेट चली जाएगी आर एफ आनंदा के साइड पर मतलब बेसिकली ये वाली जो रोड है इसमें मेजर कुछ भी नहीं है यहाँ से एंट्री नहीं होगी टेम्प्ररी एंट्री बनाई हुई है जो परमानेंट एंट्री होगी वो होगी अंदर वाली 24 मीटर की रोड से जो इंटरनली आएगी वो इस इस प्रोजेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है बेसिकली 24 मीटर की रोड राइट uh, साइड right पे जो आपको दिख रहा है मतलब जहाँ पे मैं अभी जूम इन कर रहा हूँ ये कमर्शियल एक साइड हो जाएगा और ये सोसाइटीज़ एक साइड हो जाएंगी मतलब कमर्शियल बेसिकली बैगॉन ट्वेंटी फोर मीटर रोड पे आ जाएगा सो so, अगर आप इस चैनल पे नई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करके अपने थाट्स बताएँ और मैं ऐसे ही डेली नई नई वीडियोज ला लेकर आता रहेगा मतलब अभी तो सेक्टर वाइज़ बना रहा हूँ जैसे ही सारे सेक्टर वाइज कम्प्लीट हो जाएंगे गुड़गांव के अंदर तो मैं रैंडमली फिर जो नए प्रोजेक्ट्स हैं और कंस्ट्रक्शन अपडेट है वो रैंडमली बनाऊँगा अभी मैं प्रोज़ के ऊपर आता हूँ इस प्रोजेक्ट के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो माई वन कंस्ट्रक्शन से हो रही है मतलब ये आ, बेस्ट माना जाता है अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर और सारी सेगमेंट में माई वन कंस्ट्रक्शन अभी टॉप पे चल रहा है तो ये उसी से कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी सेकेंड पॉइंट जो आता है जो बहुत ही जरूरी होता है कि ये सोसाइटी डिज़ाइन किस है इसको डिज़ाइन किया हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने जिसने बुर्ज खलीफा को डिज़ाइन किया है सेम बंदा है वो मतलब बुर्ज खलीफा में सिंगल इसी बंदे ने नहीं दो तीन बंदे और थे तो उसने भी डिज़ाइन किया है थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि इस सोसाइटी के अंदर ग्रीनरी एरिया बहुत अच्छी है आपको एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड मिल जाता है जिसमें आप बच्चे बहुत आसानी से खेल सकते हैं जो सफिशेंट स्पेस होता है बेसिकली उतना एरिया आपको मिल जाता है एंड फोर्थ हैंड जो लास्ट पॉइंट है इसके आसपास पास का एरिया जो है कम्प्लीटली अभी लैंड है मतलब कुछ ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है तो आपको यहाँ पे जो एयर है वो कम्प्लीटली फ्रेश मिलेगी और आगे की साइड पूरा पटौदी गांव आता है तो उसकी वजह से भी ये एरिया कम्प्लीटली फ्रेश है इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो जो ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सिटी से बाहर की साइड रह के अपना काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि यहाँ का जो लोकेलिटी है उसकी वजह से आपको काफ़ी फ्रेश एयर मिलती है जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर पता है पॉल्यूशन आ रहा है तो दिक्कतें होने वाली हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे ये सारी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि लास्ट सेक्टर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि पब्लिक आएगी यहाँ पे सो so अभी मैं कॉन्स के ऊपर आता हूँ फ़ायदे तो बहुत हैं इस लोकेशन के बट एक नेगेटिव पॉइंट है जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आप इस लोकेशन पर रात को ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है स्ट्रीट लाइट नहीं जलती और कुछ भी नहीं है पब्लिक नहीं आती रात को तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है इसके अंदर आलम जी ने पिछले वीडियो पे कमेंट किया था कि एस्पायर की वीडियो में मतलब एस्पायर प्रोजेक्ट के अंदर क्या अप्रिसिएशन होगा और फ्यूचर क्या है मतलब रेंटल क्या आएगी बेसिकली तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है बट वो अभी नहीं है उसको टाइम लगेगा मतलब आप मान लो सात से आठ साल या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं और रेंटल यहाँ पे पोजीशन के टाइम पे जो होगा वो नियर अबाउट निकल के आएगा फोर्टीन थाउजेंड फोर्टीन टू फिफ्टीन थाउजेंड का टू बी एच के क्योंकि तो आज के टाइम में एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी रैमसन क्षतिज उसके अंदर टू बी एच के अभी आपको बारह हज़ार रुपये में रेंट पे मिलता है तो ऑलमोस्ट चार साल के बाद आप मान लो दो तीन हज़ार रुपये तो एक्सटेंड होगा हो ही होगा सो उसके भी आप मैं बता रहा हूँ प्राइसिंग इंक्रीमेंट होने में इसमें मतलब बहुत टाइम लगेगा मतलब आप मान लो सात से आठ साल कम से कम